दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम आज आप सभी को लाभ हानि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य से संबंधित सवालों को एक बार पुनः सिखाएंगे। तो इस तरीके से अगर कोई सवाल पूछा जाए कि क्रय मूल्य दिया गया है, विक्रय मूल्य दिया गया है और प्रतिशत लाभ पूछे, तो हम कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले हम लाभ निकालेंगे। तो लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य में से हम क्रय मूल्य को घटा लेंगे, 110 में से 100 घटाएंगे, तो लाभ प्रतिशत लाभ, तो ये लाभ हमारा हो गया प्रतिशत लाभ बराबर लाभ, वास्तविक लाभ जितना हो रहा है उसमें हम 100 से गुणा कर देंगे और बटे यहाँ क्रय मूल्य से सदैव, चाहे प्रतिशत लाभ हो चाहे प्रतिशत हानि हो, सदैव क्रय मूल्य से ही भाग दिया जाएगा। तो ये क्रय मूल्य बटे हो जाएगा क्रय मूल्य। अब यहाँ पर हम लाभ देख रहे हैं, 110 में से जब 100 घटाएंगे तो हमारा आएगा 10। 10 रुपये का वास्तविक लाभ यहाँ हो रहा है गुणे 100, और यहाँ पर क्रय मूल्य दिया गया है हमारा 100 रुपया। तो ये 100 से 100 कट जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा 10%। तो उसे 10% का लाभ होगा और यही हमारा आंसर होगा। तो इस तरीके से ऐसे सवालों को हम सॉल्व कर लेंगे। अब आइए अगला सवाल देखते। इस तरीके का दिया जाए, क्रय मूल्य दिया गया है यहाँ और प्रतिशत लाभ दिया गया है, विक्रय मूल्य पूछ रहा है। तो कैसे हम विक्रय मूल्य ज्ञात करेंगे अगर प्रतिशत लाभ दिया गया है? तो सबसे पहले हम वास्तविक लाभ निकालेंगे। जब वास्तविक लाभ निकल जाएगा तो उसको हम क्रय मूल्य में जोड़ देंगे तो विक्रय मूल्य मालूम हो जाएगा। तो आइए हम लाभ निकालते हैं। हम जानते हैं कि लाभ बराबर होता है प्रतिशत लाभ, यहाँ लिखे हैं हम ऊपर वाले में, प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। तो लाभ बराबर होगा प्रतिशत लाभ गुणे 100 बटे लाभ बराबर होता है प्रतिशत लाभ गुणे क्रय मूल्य। प्रतिशत लाभ गुणे क्रय मूल्य गुणे क्रय मूल्य बटे 100 हो जाएगा, यहां पर बटे 100 कर देंगे। तो इस तरीके से हम लाभ निकालेंगे। तो प्रतिशत लाभ यहां पर हमारा 25, तो यहां 25 लिख देंगे, गुणे क्रय मूल्य यहां 80 है, और बटे 100 कर देंगे, यहां पर हम 100 कर देंगे। यहां पर ये 25 चौके 100 हो जाएगा, 4 दूनी 8 बराबर 20 रुपया हो गया। 20 रुपये का उसे लाभ प्राप्त हुआ। अब इसके बाद हम विक्रय मूल्य निकालेंगे। तो विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य धन लाभ। तो क्रय मूल्य 80 रुपया और लाभ 20 रुपया है, तो इसमें जोड़ देंगे तो ये हमारा 100 रुपया हो जाएगा। तो 100 रुपया उस वस्तु का विक्रय मूल्य होगा जिसका क्रय मूल्य 80 रुपया और प्रतिशत लाभ 25% है। तो आशा करता हूं कि ऐसे सवाल आप सभी सॉल्व कर सकते हैं। अब ये अगला सवाल है, विक्रय मूल्य दिया गया है, लाभ दिया गया है, तो क्रय मूल्य पूछ रहा है। बहुत ही आसान सवाल है। तो लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य। तो अगर विक्रय मूल्य दिया गया है, क्रय मूल्य पूछ रहा है, तो क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य ऋण लाभ। यहां पर विक्रय मूल्य में से हम इसको घटा लेंगे तो हमारा सवाल सॉल्व हो जाएगा, 50 ऋण 5। तो 50 में से 5 घटा लेंगे तो 45 रुपये। बहुत ही आसान सवाल है, 45 रुपया। तो यहां पर उस वस्तु का क्रय मूल्य 45 रुपया होगा जिसे 50 रुपये में बेचने पर 5 रुपये का लाभ हो रहा है। आइए अगला सवाल देखते हैं। अब ये अगला सवाल है, यहाँ क्रय मूल्य दिया गया है 40 रुपया, हानि 5 रुपया है, तो उसका विक्रय मूल्य हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ ध्यान देना है कि जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम होता है तभी हानि होती है। तो हानि बराबर, यहाँ विक्रय मूल्य बराबर होगा क्रय मूल्य ऋण हानि। तो यहाँ 40 में से 5 घटा लेंगे हम, 40 ऋण 5 बराबर 35, 35 रुपया। तो जब उस वस्तु को 35 रुपये में बेचेगा तो उसे 5 रुपये की हानि होगी जिसे 40 रुपये में खरीदा गया था। तो यह भी सवाल आशा करता हूँ समझ गए होंगे। यहाँ ध्यान देना है कि लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य, हानि बराबर होती है, यहाँ हानि है, हानि बराबर विक्रय मूल्य ऋण विक्रय मूल्य होता है। तो क्रय मूल्य में से हम विक्रय मूल्य को घटा देंगे तो हानि में मालूम हो जाएगी। अब ये अगला सवाल है, हानि दिया गया है, हानि बराबर 40 रुपया, विक्रय मूल्य 150 रुपया है, तो क्रय मूल्य निकालना है। तो स्वाभाविक है क्रय मूल्य अधिक होगा, जब हानि होती है तो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से अधिक होगा। तो क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य धन हानि।
तो यहाँ पर हम 150, 150 में हम 40 जोड़ देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 190 रुपया। तो उस वस्तु पर 40 रुपये की हानि होगी जिसे 150 रुपये में बेचने पर ये क्रय मूल्य 190 रुपया था। अब यहाँ 190 रुपया क्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य 150 रुपया, तो यहाँ देख रहे हैं हानि स्वाभाविक है 40 रुपये की होगी। अब ये रहा अगला सवाल। यहाँ दिया गया है क्रय मूल्य 20 रुपया, 20 रुपये में खरीदा जाता है और विक्रय मूल्य दिया गया है 16 रुपये, 16 रुपये में बेचा जाता है, तो यहाँ स्वाभाविक रूप से हानि होगी और प्रतिशत हानि हमें निकालना है। तो प्रतिशत हानि बराबर वास्तविक हानि यहाँ पर उसे 4 रुपये की हो रही है, क्योंकि 20 में खरीद रहा है 16 में बेच रहा है, तो हानि बराबर क्रय मूल्य ऋण विक्रय मूल्य होता है। तो यहाँ 4 रुपये वास्तविक हानि होगी, तो प्रतिशत हानि बराबर हानि गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। हमने बताया कि चाहे प्रतिशत लाभ हो चाहे प्रतिशत हानि, सदैव क्रय मूल्य से ही भाग दिया जाएगा, तो यहाँ 20 यहाँ हो जाएगा। तो ये कट गया 10, 2 पचे 10 हो गया। अब यहाँ पर 5 में 4 से गुणा कर लेंगे तो 5 चौके 20, 5 चौक 20, तो उसे 20% की हानि होगी, यही हमारा आंसर होगा। अब ये रहा अगला सवाल। यहाँ क्रय मूल्य दिया गया है, प्रतिशत लाभ दिया गया है, तो विक्रय मूल्य पूछ रहा है। तो ऐसे सवालों को हम दूसरे तरीके से भी, यहाँ 10% लाभ का मतलब कि क्रय मूल्य अगर 100 रुपया है तो विक्रय मूल्य उसका 110 रुपया होगा। तो यहाँ इसको हम इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, क्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य 100 रुपया, तो विक्रय मूल्य बराबर 110 रुपया है, तभी 10% का लाभ होगा उसे। अब यहाँ विक्रय मूल्य पूछ रहा है, अगर क्रय मूल्य 30 रुपया है, पहले एक पर निकालेंगे, क्रय मूल्य 1 रुपया होगा तो विक्रय मूल्य 110 बटे 100। अब क्रय मूल्य अगर 30 रुपया है, क्रय मूल्य 30 रुपया है, तो विक्रय मूल्य हमारा होगा 110 बटे 100 गुणे 30। एकिक नियम से इस तरीके से इसको लगा सकते हैं हम, जो पूछा जाए उसको बाद में लिखेंगे। यहाँ विक्रय मूल्य पूछा जा रहा है तो विक्रय मूल्य को बाद में लिखेंगे। अब आइए इसको काट देते हैं हम, 20 20, तो 11 3 33 हो जाएगा, तो 33 रुपया उसका विक्रय मूल्य होगा। यहाँ पर हम 33 रुपया निकाल लेंगे, 33 रुपया। तो जिस वस्तु का क्रय मूल्य 30 रुपया होगा और 10% लाभ होगा तो उसका विक्रय मूल्य 33 रुपया होगा। अब ये अगला सवाल है, इसको भी आइए हम एकिक नियम से कैसे सॉल्व करते हैं। क्रय मूल्य दिया गया है 200 रुपया, प्रतिशत हानि दी गई है 15%, तो विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो 15% पहले ये समझ लें, 15% हानि का मतलब अगर वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपया तो उसका विक्रय मूल्य 85 रुपया होगा, तभी उसे 15% का हानि होगा। तो आइए इसको एकिक नियम से लगाते हैं, तो जो पूछता है उसको बाद में लिखेंगे। तो यहां लिखेंगे क्रय मूल्य 100 रुपये, तो विक्रय मूल्य बराबर 85 रुपया हमारा, 100 में से ये 15 घटाएंगे तब आएगा। अब अगर क्रय मूल्य 1 रुपया हो जाए तो विक्रय मूल्य हमारा 85/100 होगा। अब क्रय मूल्य दिया गया है 200 रुपया, क्रय मूल्य 200 रुपये, तो विक्रय मूल्य हमें निकालना है, तो ये हमारा हो जाएगा 85/100 गुणे 200। ये इसको काट देंगे हम, तो 85 में 2 से जब गुणा कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 2 5 10, 2 8 16 1 17, 170 रुपया। अगर 15% हानि होगी, 200 रुपया क्रय मूल्य होगा तो उसका विक्रय मूल्य 170 रुपया होगा। तो इस तरीके से हमने आज आप सभी को इस वीडियो में क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ और हानि से संबंधित कुछ प्रमुख सवालों को हल कर सिखाने का प्रयास किया। आशा करता हूँ कि ये सभी सवाल आपकी समझ में आए होंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, और चैनल पर नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ इसी तरह के सवालों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।